प्रॉब्लम है अंदर सलूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करे वाकई मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं अभी के अभी तुम्हारी ये गणेशोत्सव कमेटी है ना, उसको बर्खास्त करता हूँ। मैं ही सब संभालूंगा भाई, और वैसे भी तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे ही। अभी पिछले साल क्या किया था याद है ना? ये टप्पू ने कंपाउंड के बीचों बीच आके थाली बजाई थी चंदा इकट्ठा करने के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक सूचना बनाई है, तो उसकी कॉपीज निकाल के तुम्हें सारे विंग्स में बांटनी है, मतलब सारे घरों में बांटनी है। उसमें बस मैंने मेंशन कर दिया है कि क्या करना है, कैसे करना है। और महंगाई थोड़ी बढ़ गई तो चंदा भी थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने। भिड़े अंकल, आपने टप्पू को टप्पू सेना के सामने डांटा, अब टप्पू को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं 1000 के 10000 कर देता हूँ। ठीक है? हाँ, ये है वो सूचना, ये रहा। हाँ, ठीक है? हाँ। उसकी जेरोस निकाल के दे दे। जरूर। हाँ? अरे माधवी, सुट्टे पैसे नहीं भिड़े साहब मेरे पास है ना, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो याद से ले लेना मुझसे। हाँ? मैं चलता हूँ। ओके। ए भाई, तुम लोग क्या है पुतले की तरह खड़े हो? बर्खास्त हो गई तुम्हारी कमेटी, निकलो अभी। चलो। चला। ये घोड़िया ग्लास रख यहाँ पे। मानुसे का कौन है? चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते अब्दुल। हाँ भैया। ओहो अब्दुल, आओ। चाचा जी ये लीजिए, भिड़े साहब ने दिया है। क्या है? गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस है। अच्छा, कितना चंदा देना है? 10000 रुपए। 10000? पागल हो गया क्या? जो लिखा वही तो मैंने बोला है। अरे तू नहीं, भिड़े पागल हो गया है क्या? अरे 10000 रुपए चंदा होता है। हाँ, तो वो आप भिड़े साहब से बात करना, मैं चला। बापू जी ये क्या, 10000 रुपए का चंदा देना पड़ेगा? अरे होई कहीं, अभी जन्माष्टमी में ही तो मैंने बोला था कि त्योहार को पैसों के साथ मत जोड़ो। हाँ। पता नहीं ये भीड़ कब सुधरेगा। पूजा का लेके चले आइए। बेटा साहब सलाम। अफजल, नोटिस सोसाइटी खाली करवानी है क्या? नहीं। तो क्या सोने का भाव बढ़ा दिया है? अरे नहीं बाबा, फिर भिड़े साहब ने दिया है गणेश उत्सव के चंदे के लिए। ओके। थैंक यू। हाँ ओके। बाय। क्या ये? क्या हुआ? अरे भिड़े ने गणेश उत्सव के चंदे का नोटिस भेजा है। तो क्या, वो तो हर साल भेजते हैं। पर अंजलि हर साल 10000 रुपए का नहीं भेजता। क्या 10000 रुपए? हर परिवार से 10,000। सोसाइटी में लगभग कितने फ्लैट है? 50। यानी कि 5 लाख रुपए। गणेशोत्सव मना रहा है, मंदिर बना रहा है। अरे 10000 में तो 40 किलो देसी घी के लड्डू आते हैं। भाई मैंने कभी 10000 के लड्डू खरीदे ही नहीं, मुझे क्या मालूम पड़ेगा। अरे अब तो ऐसे थोड़ा ही होता है। भिड़े सेक्रेटरी बन गया तो कुछ भी चंदा मांगेगा और हम दे देंगे। लगता है स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? दरवाजे का, खिड़की का। ये आत्मा भिड़े का दिमाग का। अरे यह था करप्ट हो गया है, इसको सेक्रेटरी का पद से निकाल देना चाहिए। अरे पोपलाल जी। हाँ। अरे मैं आपके घर पे गया था, लेकिन आपके घर पे ताला लगा हुआ है। अरे भाई मैं घर के बाहर रहूंगा तो घर पे तो ताला ही होगा ना, घर कोई खुला छोड़ के थोड़ी जाता है। हो, मैं भूल गया था, आप अकेले रहते। काम की बात बोलो अब्दुल। सोसाइटी में है ना गणेश उत्सव है। हाँ। उसके चंदे के लिए आया था। अच्छा, वेरी गुड। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो कितना देना है? इतना अभी आपके पास होगा नहीं। मतलब 10,000 रुपए। क्या 10,000? इतना चंदा होता है कभी? मुझे क्यों भड़क रहे हो? भिड़े साहब को बोलो ना। भिड़े की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गया है वो। गणपति उत्सव का चंदा 10,000 रुपए। अभी जाता हूँ उसके घर और खबर लेता हूँ उसकी। भिड़े 013 प्लस ये माधवी कैलकुलेटर लाओ ना। भिड़े भिड़े ये क्या है? अरे पोपट लाल आओ आओ बैठो बैठो बैठो। अरे क्या बैठो? नमस्ते नमस्ते। भिड़े ये क्या है? अरे गणपति के चंदे का नोटिस है। ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, लेकिन इतना चंदा तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इसका मतलब है तुम अपनी मनमानी करोगे। ये तुम्हारा खुल्लम खुल्ला अत्याचार है। इतनी महंगाई के जमाने में लोगों का घर कितनी मुश्किल से चलता है, इसमें कहां से देंगे लोग इतना सारा पैसा? इतना सारा पैसा? अरे पोपटलाल, हमारी सोसाइटी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी मामूली सी रकम नहीं दे सकता। क्या? हाँ। आत्माराम भिड़े, तुम्हारी आत्मा को क्या हो गया है? तुम एक शिक्षक हो, शिक्षक। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि हमारे शहर में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं होती पूरे महीने की। क्या बात कर रहे हो? पूरे महीने की तनख्वाह नहीं होती? पागल हो गया है तू। भिड़े मैं यही पता करने आया हूँ, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो। तो भाई आई नमस्ते भाभी। भाई क्या है ये भिड़े, बताओ क्या है ये? क्या मेहता साहब, आप सभी ने तय किया है क्या मेरा मजाक उड़ाने का? मजाक मजाक तो तुम कर रहे हो मध्यम वर्गीय लोगों के साथ इतना चंदा मांग के। मेहता साहब आप भी, अरे आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतना तो चंदा होना ही चाहिए ना। अरे भिड़े मास्टर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे बाप रे। हाथी भाई आराम से आराम से, आप अंदर आइए आइए आइए। अरे तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल, आइए बैठे तो पहले। ये क्या है मास्टर भिड़े, एक तो धंधा मंदा, ऊपर से इतना सारा चंदा कहाँ से देगा ये बंदा? हाँ बताइए बताइए। अरे हाथी भाई आप देखो, मैं आपको कैलकुलेशन करके समझाता हूँ। अरे कैलकुलेटर छोड़ो यार, कैलकुलेटर से क्या समझाओगे? तुम जो लिखा हुआ है वो सामने है ना। रिस्पॉन्सिबल आदमी हो और फिर भी ऐसा गलती करता है। अय्यर जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप एक काम कीजिए, बैठ जाइए वहाँ पे प्लीज। क्या किधर बैठे यार, मैं लेकिन समझाओगे क्या? क्या समझाओगे? क्या देखिए मैं आप सभी को समझाता हूँ। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या होता है? अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए भाई, देखिए भाई, इधर इधर चाचा जी इधर आ जाइए। अरे यहाँ 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 आ जाइए। अपने आप को शिक्षक बोलता है, अपने आप को शिक्षक बोलता है। अरे तू शिक्षक है कि भक्षक? आप भी चाचा जी? ये चाचा जी वाली, इतना पैसा जमा करके क्या करेगा हैं? हर त्योहार को पैसों से जोड़ता है, एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। अरे इतना चंदा कभी होता है क्या? 10,000 चल अभी के अभी 1,000 कर। अरे चाचा जी 1,000 ही तो है। अरे इसमें तो 10,000 लिखा है ना आपने। अरे देवा नहीं, मतलब माफ करना भाई, देखिए मैंने तो 1,000 ही लिखा था इसमें। हाँ मैंने बोला था ना 1,000 ही है। हाँ पढ़कर सुनाया था तो 1,000 था। हाँ सॉरी, मतलब इनसे कोई लिखने में गलती हुई होगी। हाँ मतलब सॉरी, गलती से 1 शून्य ज्यादा लग गया होगा। आई एम सो सॉरी। तुम इतना एजुकेटेड होकर ये ऐसा गलती करते हो? 1,000 में 4 नहीं 3 शून्य होते हैं। अरे बस सॉरी, बस सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। तू कुछ मत बोल प्लीज, कुछ मत बोल। मैं जानता हूँ मेरी गलती हो गई, मैंने 1 शून्य ज्यादा लिखा। 10,000 रुपया चंदा नहीं है, 1,000 रुपया ही चंदा है। हाँ क्या यार, तूने तो मुझे निराश कर दिया। ये देख मैं चंदा लेके आया पूरा 10,000 रुपए। अरे नहीं नहीं सोड़ी, इतना चंदा नहीं होता, 1,000 रुपया ही चंदा है। ओए रोशन भी यही कह रही थी कि इतना चंदा नहीं होता है। कितना झगड़ के मैं लाया हूँ ये 10,000 रुपए, पता है तेरे को? लेकिन मैंने बोला उसको कि भिड़े मेरा दोस्त है, कुछ सोच समझ के ही उसने इतना चंदा मांगा होगा। अब क्या करूँ ये बाकी के 9,000 रुपए का? अरे कोई बात नहीं छोड़ी, बाकी के पैसों का पार्टी शार्टी कर लेंगे। सही बात है मेहता साहब, ये भी सही है, पार्टी शार्टी कर लेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, अब तो चंदा 1000 है ना, ये तय हो गया। 1000 ही है, 1000। चलो भाई चलो चलो, ओके ओके। ध्यान रखना भाई, ओके 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 ओके, थैंक यू। माधवी ये कैसे हो गई आपसे ये गलती? अरे मुझे क्या मालूम माधवी, कब से मैं यही सोच रहा हूँ। आप शांत हो जाइए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये कसर शक्य है। क्यों भिड़े अंकल, देखा कैसी रही टप्पू की शरारत? मतलब टप्पू ने 1000 के 10000 किए थे क्या? अरे मतलब शरारत की तुमने और तुम्हारी वजह से डांट पड़ी मुझे। छोड़ो ना अंकल, जो हो गया तो हो गया। आप भी कहते हो ना भूतकाल में जो भी हुआ सब भूल जाओ, भविष्य का सोचो। तो अब टप्पू सेना गणेश उत्सव की तैयारी करे। टप्पू 1 मिनट भिड़े, इस पेशिस्त बच्चे के मुंह तो मुझे लगना ही नहीं चाहिए। देखो टप्पू, तुमको गणेशोत्सव में जो करना है वो करो, हाँ, लेकिन अभी यहाँ से जाओ। टप्पू जाओ। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। भिड़े अंकल सॉरी, मुझे ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आपको सबने डांटा। आई एम रियली रियली सॉरी। मैं अभी जाके सबको सच बता के आता हूँ। 1 मिनट टप्पू, मैं ही कहता हूँ ना हमेशा कि भूतकाल के बारे में भूल जाओ और भविष्य के बारे में सोचो। और वैसे भी सारे त्योहारों की तैयारियाँ हमेशा टप्पू सेना ही तो करती है, तो इस बार भी गणेशोत्सव डेकोरेशन की सारी तैयारियाँ तुम और तुम्हारी टप्पू सेना ही करेगी, हाँ? जाओ। थैंक यू मेरा अंकल। वाह टप्पू, गणेश उत्सव की तैयारी हम करेंगे। हाँ। ये क्या भिड़े अंकल ने खुद कहा? अरे हाँ। वो टप्पू तूने किया क्या? कुछ नहीं, रिक्वेस्ट की और भिड़े अंकल मान गए। टप्पू मुझे पूरा विश्वास था कि तुम बाबा को आसानी से मना लोगे। थैंक्स फ्रेंड्स, भिड़े अंकल ने हमें गणपति की सजावट की जिम्मेदारी दी है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गणपति की सजावट ऐसी करें कि सब देखते रह जाए। ओए टप्पू, इस बार हम लोग डेकोरेशन चॉकलेट से करेंगे। नहीं नहीं गोगी, हम फ्रूट्स का डेकोरेशन करते हैं। नहीं गोली, टप्पू इस बार हम क्रिकेट ग्राउंड की थीम बनाकर पिच पर गणपति जी की मूर्ति रखेंगे। नहीं पिंकू, इस बार हम कुछ अलग करते हैं। पर क्या? आइडिया मिल गया। यस, आइडिया मिल गया। गणपति इस बार के गणेश महोत्सव में तुमने जो बांद्रा वर्ली सीलिंग का थीम लिया ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू अंजलि आंटी। तो गोकुलधाम वासियों, हम गणपति बप्पा का हमारी सोसाइटी के प्रांगण में स्वागत करते हैं और विघ्नहर्ता गणपति गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सोसाइटी को, और हमारी सोसाइटी को ही क्या, हमारे शहर को, इस देश को और सारी दुनिया को स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से और तमाम बीमारियों से दूर रखे और हमें रहने के लिए एक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त संसार मिले। विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, सारे विघ्नों को दूर करने वाले सिद्धि विनायक श्री गणपति गणेश गोकुलधाम सोसाइटी में पधार चुके हैं। अब देखिए गणेशोत्सव की धूम कितनी मचनी है यहाँ। जितने इंद्रधनुष में रंग होते हैं उससे ज्यादा रोचक कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। लेकिन मुझे इस वक्त मेरे दोस्त जेठालाल की कमी बहुत खल रही है। गणपति के बप्पा कुछ कृपा कीजिए कि वो लंदन से जल्दी आ जाए। लेकिन इस बीच तारक मेहता यानी मेरी ओर से और मेरे सभी साथियों की ओर से आपको गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ हास्य के लड्डू खाते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.